तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? वेलकम हो गया शफीक आसिफा व्लॉग में, आइए मेरे साथ दाल बनाने। तो आप मजाक कर रही हूँ, हमारे घर पर आए हैं हमारी दोनों आपा, हमारे जारा जामीन आपा आए हुए हैं, और साथ ही साथ माशाल्लाह जारा आपा का बर्थडे भी है 5 तारीख को ना आपा? हाँ। 5 तारीख को आपा, तो यहाँ पे है ये देखिए, और वालेकुम सलाम, और इधर बैठे हैं यहाँ पे, वालेकुम सलाम, और इनका बर्थडे है। हम लोग भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और जस्ट हमारे एकदम पड़ोसी बाजू में है, तो हम लोग भी आए थे दावत देने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बैठे और भाई ने बनाए थे चौमिन शेक, वो भी बहुत टेस्टी, चाय तो बहुत अच्छी बनाते है ना। हाँ, पर चाय नहीं पी, चाय नहीं पिए, पिएगी पिएगी बोली चाय, उधार 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 है ना। हम लोग को भी जा रहे हैं हर जगह पर, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, है ना, और फिर आना। घर का इंटीरियर जो बनने लगा है ना, बहुत प्यारा, और स्पेशल ये तो घर एक्चुअली ना वीडियो में बड़ा दिखता है। हाँ। तो जब रियल वीडियो में थोड़ा दिखता है तो बड़ा दिखता है, बड़ा नहीं ऐसा ऐसा देखते हैं, हाँ। बड़ा दिखता है ना, नहीं बहुत यूनिक है, हाँ। बहुत अच्छे तरीके में, और रौनक भी बहुत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, और खास करके उसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, हमें खुशी हुई कि आपा आए पहली बार हमारे घर पे दोनों। तो व्लॉग चालू करना नहीं था मैंने, तो ये आए तो मैंने व्लॉग चालू किया, वरना तो आ जा रहा। हाँ हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया बहुत बार आने के लिए, है ना, सर पक्का पक्का, है ना। आपा को तो मैं चाबियों का गुच्छा लेके घूमा, अभी से चाबियों का गुच्छा आ गया। चलो क्या बना रहे हो भैया? ये चक्के देखो, क्या ये गला क्या चेक करने का है? मैं पहले चेक करता हूँ क्या है, थोड़ा सा पकाओ ना, ये फीका लग रहा है, क्या है वो थोड़ा कर लीजिए। तो पहुँचने वाली है, और आसिफा ने बनाया है आज, क्या क्या बनाया है आज मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने हमारा फेवरेट बनाया है पोटा कलेजी, दाल चावल, और क्या बना रहे हो? देखो तो जरा, अच्छा इधर है चिकन फ्राई, क्या बात है, हाँ, और बहुत मस्त लगा, अच्छा है बना रहे हैं। अभी को जाने का, अभी थोड़ा शेविंग कराने, मतलब चेहरा ऐसे ऐसे ये निकालने, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी चेहरा रखूँ थोड़ा ऐसा ऐसा, क्योंकि थोड़ा क्लीन शेव हमेशा करते करते ना थोड़ा बोर हो गया हूँ, और कुछ थोड़ा चेंजेस करने चक्कर में सोच रहा हूँ अपने आप को, अगर अच्छा लगे तो बताना आप लोग भी, ट्राई करता हूँ। 2 बजे से नंबर लगाया, 5 बज गया, नंबर लगा नहीं है, नंबर आया नहीं, फ़ोन नहीं आया अभी तक, अगर खुद जाना पड़ेगा ना तो भाई साहब चले जाएंगे सैलून वाले। तो सबने तुम्हारे को पसंद है ना, कोटा इसलिए पसंद है, ये बात तो है, हाँ नहीं मिली इसमें कोई बात, सबनम को भी पसंद है बहुत, और मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं पहले जाके सैलून में चेक करके नंबर का है क्या। सुबह बना रही रोटी, और गाइस मैं आ गया हूँ अपनी दाढ़ी बना के, क्या लग रहा है बस जी बताओ। हाँ जल्दी बताओ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है पक्का, दिखाओ लोगों को, तुम दिखाओ। तो मैं रखा हूँ ये देखो कैसे लग रही है, जल्दी बताओ सर, अच्छी तो लग रही है, मैं टीवी में देख रहा हूँ अपने आप, इधर ऐसा ठीक है, हाँ अभी थोड़ी हल्का तो क्या, अभी थोड़ी बड़ी करूँगा, थोड़ा सा हल्का था ऐसे ही बारीकी रखूँगा थोड़ा, तो जाहिर तो जरूर बताना कैसा लग रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये देखो, तो मुझे तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है, अगर ज़्यादा खुजाया चुबाया चुबा तो फिर इसकी कहानी का थोड़ी देर तक रहेगी। और क्या बना रहे हो? रोटी रोटी बना रहे हो, अभी चिकन तलो फटाफट, हाथ तेल में जला दे रही, हाथ हल्का सा छिटका उड़ता, लॉ क्रीम लगाता हूँ, कोलगेट लगाऊँ, जरूरत नहीं अपने को, मेरी औरत बहुत स्ट्रांग है, 36 बार सब पूछ रहे, तो कलौंजी कैसा खाने का, सब पूछ रहे कमेंट में, कलौंजी अरे वही जो तुम्हारे अम्मी ने, काली कलौंजी कौन सी, अरे जो तुम्हारे अम्मी खा रहे थे ना जो पतले होने के लिए, वो कलौंजी डायरेक्ट खाने का, कभी खाने का बासी मुँह फाक मारने का, एक चम्मच खा के गर्म पानी पी लेने का, उन्होंने वही करके तो इतना हालत खराब, हाँ तो बता दो लोगों को कैसा खाने का बता दो, बस सुबह बासी मुँह सुबह या तो फिर रात को सोने से पहले एक चम्मच खाओ, चबा के अच्छे से उसका रस मुंह में जमा करो और पानी से पी लो, गर्म पानी, हाँ गर्म पानी, पाव गिलास या पाव कप, मेरी रोटी जल जाएगी तुम्हारे चक्कर में, ठीक
मदीने चल आओ मदीने चल मदीने चले मदीने चले मदीने चले दिल किसको सुनाए आपके क्या बोल रहे हैं कैसा लगा? दो साल हो गया तो गाइस फाइनली आ गए। अच्छा सो रहे गए अल्लाह सलाम वालेकुम मज्जू पापू ये मज्जू मज्जू तो लग रहा ही नहीं है ये सब क्या है भाई कहाँ से ले जा रहे हैं कहाँ तो लेके आ रहे थे पूजा? 7 नंबर से खरीदे क्या मतलब दिमाग से गए थे तो पूछ रहा हूँ किधर पहुँचे किधर पहुँचे बोले जी पहुँच रहे पहुँच रहे सलाम कर रिंगड़ी ऊपर तैयार हो रही है अरे बाबा साइड में साइड में साइड में साइड में इसको भी नहीं गए तुमने अरे मेरा पापा कैसे सो रहा है रे बच्चू अस्सलाम वालेकुम आंख लाल हो गए बच्चे की ना ए मज्जू बच्चा आग लाल हो गई देखो 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 सोए अभी सोएगा वापस छोड़ दे सो जाएगा वापस सो गया वापस सो गया ना नहीं अभी चलो अरे री मेरा बेटा उठ गया अंदर बच्चा उठ गया इधर इधर दिखा दो यहाँ देखो सलाम करो सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम यहाँ देखो यहाँ सलाम अलैकुम करो सलाम अलैकुम अरे अभी तो पहचान नींद में ना आया तो नींद घुस आया क्या अभी सही है ना मज्जू बेटा इधर इधर मामा सौ फूल खिले जब ये मेरे जैसा है बिल्कुल ये मेरे जैसा एक बार उड़ गया तो उड़ गया सोने से कौन है घर देख रहा पीली दीवार से लाल कैसे हो गई है ना कुछ 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 हाथ ढूंढ रहा है आवाज आ रही है अरे शर्मा रहे शर्मा रहे वापस वापस आजा जल्दी अब बाबा ने आज मेरे बच्चा आओ मम्मी पास जाओ आओ जल्दी आओ गद्दी में आओ यहां आई 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 आओ अरे मेरा बच्चा अरे मेरा गोदा ए काली काली के पहचाना ले लो पे दो जोश है मुंह देखो मुंह देखो मुंह क्या कह रहे ये कहाँ मुंह फंसाया रे अपना कहाँ फंसा लिया हमेशा तो थोड़ा इसको तो मेरे को जाओ भाई के पास अरे बाप रे इधर इधर पप्पी पप्पी यहाँ देखो मज्जू मज्जू बेटा कहा कर ले तुम अयो तो बोल रहे हैं कि वो दिला दिखा दे निकाल के क्या बोलते जानो ब्लूटूथ तो ये बाली वाली क्या क्या दिखा रही बोलते ब्लूटूथ नहीं रहेगा ना अपनी रात की लग्जरी से वापस भेजूंगा बोलते हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम हगीस ले हगीस काम आएगी मेरे को ये मेरा मग्गे का खाना ले खाना और जो सच्ची में नहीं लग सकता मैं रुक रुक रुक
तुमने बहुत मार पड़ी है तुम्हें। नहीं लाई नहीं लाई मत करना। नहीं नहीं, अब भी टिकट निकालो इसकी, अब भी जा जा सीधा से मलाड छोड़ के। अल्लाह कसम, कसम खुदा की, कसम खुदा की रखी थी रे भाई, रखी जीते जोड़ के गया है रखी। आया हाथ में सही में देख रहे थे। अरे यार भाई, मैंने नहीं नहीं आता कोई टेंशन नहीं, दूसरा महा उधर है, बदला लेंगे अपन तो, बदला लेंगे, सबका बदला लेगा भाई। नहीं मैं रखा तो चार्ज में तुमने चला, वैसे फुल चार्ज अच्छा है ना, वो कपड़े की डोरी है। अब अगले, अगला कहाँ छोड़ने वाले हो बता दे। अरे वो छूटता है, अगला कहाँ छोड़ने वाले, मुझे ज्यादा बड़ी तो बाली है बेटा तुम्हारे, तुम आते आते पूरी झिपड़ी हो गई। वहाँ छोड़ दिया। अच्छा, अब बेटे पे आई तो देखो, माफी नहीं है, माफी नहीं है, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा तो बच्चा होता है। बोल रहा आपने, करवा मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरा बच्चा है, दे दे बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरे को डरा दी। क्या बोलते हो सकते, बदला लोगे? ये दोनों बहन भाई नहीं पढ़ लेंगे आपस में। लेकिन मैं कभी कोई बच्चे को नहीं गाड़ी पर, इसके बच्चे को जाने मेरे साथ शबनम में, तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी बोल रहा मेरे बच्चे को कुछ मत करना, लाल करेगी, चूसेगी तेरे बेटे को सोच। अभी अभी तो कुछ नहीं करूँगा, बस माफी, माफी एक बार। बचपन तेरे क्या किया, जितना भी चूसा तूने मेरे बेटे को, मैं तेरे बेटे को बदला मिलने वाला है। सिला लाल रहता है ताकि तेरा बेटा है ना, तेरे को देख के ना गुस्सा करेगा, बोलेगा अब्बा तुम्हारी किए का फल मिल रहा है मेरे को। इसीलिए तो बच्चे लोग को मारना छोड़ दिया मैंने। अरे रे 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 रे। मेरा बच्चा ना एकदम भारत कैसे दिखता है। हाँ तो लाल लाल होएगा तो मजा आएगा फिर। क्या बोलती सपना? एकदम बुआ की लव बाइट दिखनी चाहिए उसको। मुसद्दिक को देना लव बाइट। नहीं आन को मिलेगी। क्या बोलते जानो? लव बाइट ले, चलो लव बाइट लेके थोड़ी ना देता। खैर फाइनली हम लोग निकले हैं थोड़ा बाहर, जाना हम लोगों को, मतलब बहुत दिन से दावत आई हुई थी हल्दी की, पहचान के भाई है तो उसके लिए बम्बई जा रहे हैं, और आज ही शबनम का आना हुआ तो खाना वाना सब रेडी करके सब सब मतलब कर दिया, इसलिए उमेर को भी घर में छोड़ दिया, शबनम भी लोग थके हुए, ताकि हम लोग जाके ना फटाफट आ सके, क्योंकि उमेर को लेके जाती ना तो फिर टाइम हो जाता था। क्या बोलते जानो? हाँ जाएंगे जाके जल्दी जल्दी। अभी तक मैं बैठी नहीं हूँ, क्या बोलते हैं इसमें, मोनोरेल में, क्या बोलते हैं मेट्रो में, सॉरी मोनोरेल सॉरी मेट्रो में। ओ माय गॉड, क्या है यहाँ पे जितना सजा हुआ है। हाँ तो मुझे बैठना है, पावर पावर शाम को बोलूंगी एक बार बिठाने। हम लोग पहुंच गए और आ रहे हैं वो भाई लेने, आ रहे हैं वो भाई लेने। मैं क्या लगा?
बैठे अपने रेमन भाई, क्या बोलते भाई? और यहाँ पे सब बैठे सुनती भाई भी मजे में तब भाई इधर भाई तो पहले आ गए भाई। आप लोग निकल रहे हैं अभी क्या डांस में, और यहाँ पे बहुत मस्त डांस किया आपने यार। हाँ, हाँ, हाँ। और ये भाई अपने जो इनके छोटे भाई के साथ, छोटा भाई ना, भाई छोटा भाई। हाँ पूछे तो देख रहे किधर है वो पहले, ठीक है। और यहाँ पे था मस्त, अच्छा मजा आया ना, चलो मस्त मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अब चलो फटाफट घर। ये नहीं इधर भाई को टक्कर दे रहे ना, मजा आया। सबसे भारी चीज तो वो वाला जो सीधा लेट गए, मैं बोला क्या कौन गिर गया क्या मालूम। हाँ वही तो, चलो फुल स्पीड में है गाइस, अंधेरे में। और वो गाड़ी में हमारी पिछली फैमिली है, बच्चे लोग भी यही थे, बच्चे लोग भी गए। और जानू ने रखे चेहरा, और वैसे आज वैसे भी हमारी हल्दी थी, और मैंने चेहरा भी सर पे लगाया अपने स्प्रे। आज एक तारीख को हमारी हल्दी थी, एक तारीख को हमारी हल्दी नहीं थी चेहरे पे, फेस पे। यार गाइस मेरे पास ना मेरी शादी की वीडियो है, मैं आप लोगों को दिखाऊं तो बोलो, हां बोलना तो मैं दिखाऊंगा। क्योंकि आज सही में 1 तारीख को मेरी पहली हल्दी थी, कल 30 तारीख को मैं मेरी बहन के यहां पर इधर आई थी, मेरे मम्मी पापा हम लोग सब शादी के लिए, और आज 1 तारीख को हमारी पहली हल्दी थी। कल 2 तारीख को मेरे को मेहंदी लगी थी जो खराब हो गई थी, और गुस्से में मैंने रोते रोते आधे घंटे में पूरी मिटा दी थी। अब कितनी भी मेहंदी लग जाए, कितना भी दुल्हन बन लूं, लेकिन जो शादी की बात होती है वो सिर्फ शादी की बात होती है, वो जिंदगी भर दिमाग में रहती है कि मेरे शादी वाले दिन ये चीज खराब हो गई बोली थी। मेरी शादी में मेरी मेहंदी है नंबर लगी, तो तेरा भाई था ना भाई? नहीं मेहंदी वाली मैं बुलाई थी ना, मेकअप का हां तू बुलाई थी मेहंदी वाली, लेकिन प्रमोशन पिच हुआ था ना उसका भी, तो टेंशन नहीं था भाई, तेरा भाई था। मैं बोल रही हूँ मेरे टाइमिंग पे मतलब ऐसा कोई भाई भाई नहीं था, और मेरी बढ़िया थी ना मेहंदी लगाने वाली, पर नहीं मालूम था ना, मेरे को मालूम ही नहीं था कि भाई मेरी ननन मेहंदी लगाती है, और मेरी बड़ी आपा लगाती थी, पर उस दिन वो मतलब आपा को थोड़ा काम वाम था, उस वजह से ना मतलब मेहंदी वाले दिन आपा जल्दी नहीं आ पाई, आपा आई शाम में, जब तक मेरी मेहंदी लोग ने नाश मार चुके थे। एक्चुअली हमारी शादी में जितना भी एक्सपेरिमेंट था रिस्पे हो गया, और इसीलिए हमारी की मेहंदी वजीन ने अपनी शादी में मेरे को मुक्का लिया। हां ए हमारी शादी में मेकअप का भी एक्सपेरिमेंट इस पे हुआ, मेहंदी का भी एक्सपेरिमेंट हुआ, ब्लीच फेस का भी एक्सपेरिमेंट था, इतने सब मेरे पे ही हुआ था, एक्सपेरिमेंट ही हुआ इसके ऊपर, कुछ मतलब दुल्हन वाला कुछ फील नहीं आया, सब एक्सपेरिमेंट था। मेहंदी किसको लगाने आती है मेरे पास, ये एक बचपन में जो चुप दिए चौकन चौकन तिरकन तिरकन पीछे मेरे को भी आता है, बस
खुश इस चीज की थी। आधे घंटे में रोते रोते इससे उससे घस रही हूँ, बरस से घस के निकाल रही हूँ, नहीं मेहंदी का कलर नहीं चाहिए, खराब कर दिए ये वो करके, बेचारी बड़ी वाली आ पाई, फिर वो पीछे जो चौकड़ी मारे हुए थे फिर उसको आपा ने बैठ के भरी और थोड़ा दीवार बनाई वाला ब्लॉक्स टाइप का ऐसे था, बेचारी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा करी उंगली सही करने के चक्कर में। सुनो तो क्या मेरी शादी में इतना रोई थी, दूसरे दिन उठी हूँ ना इन लोग को भंकस मार दूसरे। अरे हाथ चुपट ना सुन बोलना था ना अब कल कितने समझे धूप जादू। तो ना हम इतना रोई, दूसरे दिन जब सो के उठी ना हाथ पे क्या कलर चढ़ा था, अम्मी बोलते और मिटा और मिटा कलर दे। दूल्हा ने अपनी शादी में इतना नाचा है जिसकी कोई हद नहीं। हाँ तो मैंने भी नाची मेरी शादी में, पर भाई इतना नाचा था। इन लोगों ने वीडियो बनाया ढंग की नहीं बनाए, पूरी वीडियो खड़बड़ कर दी। इन लोग ने वीडियो ढंग की नहीं बनाए, ऊपर से मेरे पति जी गाड़ी से निकाल के मेरे को गोद में उठा के रूम तक लेकर गए, वो वीडियो निकालने को उस टाइमिंग पे कोई नहीं था, ना किसी के पास ढंग का फोन था, सब साले खा पी करके फटाफट निपट लिए थे अपने अपने। बताओ वो टाइम पे ना 2014 में एंड्रॉइड का जमाना नहीं था भाई, हम लोग एंड्रॉइड फोन बोले तो जिसके पास एंड्रॉइड फोन है बोले तो बहुत बड़ा आदमी भाई, एंड्रॉइड फोन है वहाँ बड़ा मोबाइल है ऐसा। अब आईफोन की इज्जत नहीं है देखो, तो किसी के पास अगर एंड्रॉइड फोन है, कौन सा फोन है भाई, सैमसंग का, अरे सैमसंग कौन सा, तो कल यानी कि आज जब आपको वीडियो मिलेगा तो समझ लो आज मेरी मेहंदी है, तो जरूर आइएगा। फिर उसके बाद 3 तारीख कितना ओवर एक्टिंग करते हो तुम यार, ओ थैंक यू सो मच, यू नो दैट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, यू नो दैट। और परसों फिर मेरी एक क्लास हल्दी है 3 तारीख को, फिर 4 तारीख को मेरी शादी में जरूर आइएगा, और मैं खुद मेरी शादी में सोच रही हूँ कहीं और जाने का, ठीक है तो आइएगा जरूर, भूलिएगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यारी बनाए। बहुत एक्टिंग करते हो भाई, हम लोग बहुत एक्टिंग करते हैं, बहुत ये ओवर एक्टिंग करती है और मैं भी ओवर एक्टिंग करता हूं, है ना ऐसे, पता नहीं कहां से इतने पेट दुखने वाले आते हैं, समझ नहीं आता। अरे छोड़ो तुम, क्या तुमने बोले थे ना ध्यान नहीं देखो, छोड़ो एक पुदीना लो खाओ और दर्द को झटपट दूर करो, चबा के खाओ। चलो कोई बात नहीं, ये जो है ना जो लिखते हैं ना ये हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, एक तो मोहब्बत करते हैं जो अच्छा लिखते हैं, और हाँ। जो ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, हाँ। तो उतनी मोहब्बत के लिए तहे दिल से थैंक यू जान। इतने जोर के मत मारो, जान है लोग मेरी जो मेरे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आशीर्वाद है मेरे से जो एकदम ध्यान से मोहब्बत करते हैं, एकदम ध्यान से बारीकी से मोहब्बत करते हैं आप लोग, बारीकी से, ये बारीकी से ना मेरे दिल में छेद हो गया तुम्हारे से छोटा सा, उसमें आगे बच जाओ, मेरे पैर में दर्द हो गया सुन के, ऐसी मोहब्बत बहुत अच्छी मोहब्बत करते हैं, मजा आई सपनों को मजा आई। तो अरे बोलो ना, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, च्युइंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, ऐसी मोहब्बत करते हो मेरे जो मुझसे थोड़ा मोहब्बत करते हैं ना मेरे अच्छे वाले लोग, बहुत सारी वो आप लोग भी करो। अरे उनकी थोड़ी मोहब्बत तुमको पता है, हाँ। वो सच्ची होती है, हाँ। क्योंकि वो दिल से होती है, और जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तय दिल से मोहब्बत करते हैं, हमारे नाम के फातिहे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, और डबल मोहब्बत करो, आपकी फातिहा में आपकी फातिहा कबूल हो। चलो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, अल्लाह आपकी जबान पे ऐसी बरकत बनाए रखे और उंगलियों पर, तुम्हारे उंगली में हरकत बनाए रखे, ताकि गुनाह बढ़ता रहे, तुम्हारी जबान अच्छी बात है, लिखो लिखो, तुमने जितने लिखते ना हमारा गुना कम होता है, आपको गुना बढ़ता है, ये अंगूठा गवाही देगा, दिमाग गवाही, जबान छोड़ के वो बोलते ना, तुम जिसके लिए लिख रहे हो हाँ। तो गवाही देगा कि इसने इसके लिए क्यों इतना बोला, इस्लाम में है मरने के बाद जब अल्लाह ताला गवाही के लिए रखेगा ना खड़ा सामने, तो ना सुनो ना, जिस्म का जिस जिस पार्ट से तुमने गुनाह किए रहोगे ना वो सारे पार्ट ऑटोमेटिकली बोलेंगे, और तुम जो चाहते हो वो मन से नहीं बोल सकते। पर क्यों भाई, क्यों तुम्हारी बहन से शादी नहीं किया था मैंने, पसंद आई थी मेरे को, पसंद मेरे को तो नहीं आई, लेता हूँ मेरे को पसंद आई थी, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मुझे पता है मेरे अच्छे सब्सक्राइबर अभी बोलेंगे भाई आप कमेंट पे क्यों ध्यान दे रहे हो ऐसा वैसा, नहीं अभी कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि 3-4 लोग ऐसे है शबनम की वीडियो में जाके गाली लिख रहे, और फिर छोटू की वीडियो में, फिर उन लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग ब्लॉक नहीं कर रहे हैं,
तीन आईडी से, तीन से चार आईडी अभी तक ब्लॉक कर चुके, नई आईडी बनाकर आ रहे हैं और पता चल जाता है वही और बोलते हैं क्यों है, क्यों ब्लॉक कर दिया, डर गया क्या? अबे डर मेरी वो आईडी मेरे को लिखता है कि डर गई। अरे तू जो रिहान शेख बोल रही हो, लड़की है वो, लड़का नहीं है वो, तेरे को पागल बना रही है। किसी के बाप से नहीं, वही तो है जिसको इंस्टाग्राम पे गाली दी थी मैंने, क्योंकि उसने मेरे जानू को बहुत गंदी गंदी बात बोल दी थी, मेरी हट गई तो जब गाली दी तो वहाँ ब्लॉक कर दी। अभी रिहान शेख देख भाई, आदमी का नाम बना के आईडी लेकर आने से आदमी तो नहीं हो जाती है, तो तू औरत ही। तो अब जब यहाँ मैं तो बोलती हूँ, मैं तो यूट्यूब में अभी सरेआम उसको कमेंट में गाली दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरी नंदन को गंदी गंदी बात बोल रही, जाके छोटू की वीडियो में मेरे को टैग करके छोटू को जोड़ करके नाम मेरे को इतनी गंदी गंदी बात बोली, तो इसको छोड़ूंगी मैं, पूरा खानदान बखानूंगी मैं तो भाई। अभी तो कुछ भी नहीं बोली हूँ और अभी डर गई तो सुनना क्या कर रही है, सुन तो, मैं इसलिए वीडियो में बता रही हूँ। मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर है ना, उनको जाकर टैग करती, बोलती ये ना सबकी माओ को बोले गंदी गंदी गाली देती है, ऐसा बोलती है, इसलिए तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, रहा हूँ नहीं रही हूँ। जेंडर चेंज कर रही है? हाँ, जेंडर तेरा चेंज हो रहा है क्या? हाँ, क्या हुआ? अभी तो मैंने, तुम लोग मेरे पीछे पड़े थे, अभी तो मैं शुरू कर रही हूँ तुम्हारे पीछे पड़ना। मैंने तो बोली मेरी एक सब्सक्राइबर को, अभी मैंने शुरुआत कर रही हूँ, मेरे पूरे परिवार का बदला निकालूंगी। मालूम है, पड़ी मैंने कमेंट, इतने गंदगी की हद नहीं हुई इनकी। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हो, अभी तुम्हारे पीछे हूँ मैं, जब तक तुम थे ठीक था। चले बाय बाय, छोड़ूंगा नहीं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।